हज पर जाने वाले हाजियों का पहला जत्था हुआ रवाना। देश में अमन शांति की कामना लिए हाजियों से मिलने बड़ी संख्या में पहुंचे लोग, कुछ सड़क मार्ग से तो कुछ ट्रेन से मुंबई के लिए हुए रवाना। इस्लामिक माह जिलहिज्जाह की 8वीं से 12वीं तारीख पर की जाने वाली हज यात्रा का सिलसिला पूरे देश भर में शुरू हो गया है, जिसके चलते पूरे देश भर के शहरों से बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग हज यात्रा पर निकल रहे हैं। इसी कड़ी में दुर्ग से भी सोमवार को हाजियों का पहला जत्था रवाना हुआ। गौरतलब है कि हज यात्रा पर जाने वाले हाजियों से मिलने व मुबारकबाद देने बड़ी संख्या में लोग उनके घरों तक पहुंच रहे हैं, उन्हें स्टेशन तक छोड़ उनका इस्तकबाल करते नजर आ रहे हैं। वहीं दुर्ग के तकियापारा से रवाना हुए मोहम्मद जहीर कुरैशी व सबीना अंजुम का समाज के लोगों ने फूलमाला पहनाकर स्वागत किया और गले लगकर उनके हक में हज में दुआ मांगने की गुजारिश की। गौरतलब है कि हज यात्रा पर जाने वाले हाजियों ने सुबह दुर्ग पुराना बस स्टैंड स्थित सैयद बाबा अब्दुल रहमान शाह काबुले के आस्थाने पर हाजिरी दी और देश में अमन शांति की कामना लिए कुछ सड़क मार्ग से तो कुछ हाजी ट्रेन से मुंबई के लिए रवाना हुए। हज यात्रा पर जा रहे मोहम्मद जहीर कुरैशी ने बताया कि सड़क मार्ग से नागपुर तक पहुंचकर मुंबई के लिए ट्रेन से रवाना होंगे। वहीं उनकी सऊदी जत्थे के लिए 24 को फ्लाइट रवाना होगी। गौरतलब है कि कोरोना महामारी के चलते पिछले 2 साल हज यात्रा पर पाबंदी रही। इसी के चलते इस बार छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ से 383 हज यात्री रवाना होंगे, जिसमें 203 पुरुष और 180 महिला शामिल हैं। इस संबंध में न्यूज टीम को हज पर जाने वाले मोहम्मद जहीर कुरैशी व मुस्लिम समाज के वरिष्ठ रऊफ कुरैशी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। अपने घर की ज्यारत नसीब फरमाई है और मैं यही दुआ करूँगा कि मुस्लिम एक मुस्लिम समान आई हाजिर और तक की हाजिरी वहाँ मुस्लिम शरीफ मदीने शरीफ की है और ज़्यादातर हिंदुस्तान के लिए अमन शांति की दुआ मांगूंगा और जो सभी अल्लाह ताला हज बैतुल्लाह नसीब फरमाए। छत्तीसगढ़ राज्य स्टेट हज कमेटी के माध्यम से सेंट्रल हज कमेटी के जो अलाटमेंट आवंटन हुआ था उसमें पूरा संपूर्ण जितनी भी हाजी वो सभी सेलेक्ट हो चुके हैं। लगभग 400 से ऊपर हाजी जो है छत्तीसगढ़ से अलग अलग तारीखों में रवाना हो रहे हैं और हज बैतुल्लाह के लिए जाने वाले जायरीनों के लिए मुंबई में पूरा इंतज़ाम किया गया है। वहाँ से उनकी फ्लाइट रवाना होगी और उसके बाद उनका हज काराकान पूरा किया जाएगा, जिसके लिए शासन द्वारा ट्रेनिंग दी गई है। मैं सारे हाजियों को मुबारकबाद देता हूँ, छत्तीसगढ़ के हज कमेटी के तमाम पदाधिकारियों को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने पूरी व्यवस्था चाक-चौबंद रखी। और हाजियों से गुजारिश करूँगा कि हिंदुस्तान में आपसी भाईचारा, प्रेम और अमन शांति के लिए दुआ करेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपनी हाजिरी पेश करते हुए हम तमाम लोगों के लिए और दुर्ग शहर के तमाम आवाम के लिए खुशहाली की दुआ करेंगे। लगातार 2 वर्षों की पाबंदी के बाद इस बार हज यात्रियों का जत्था हज के लिए रवाना हो रहा है और यकीनन उनकी दुआएं जो देश और दुनिया के हक में होंगी वह कबूल भी हो जाएंगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।